प्रेम एप्स के रिकॉर्ड में गया और आज जो है हम क्रूड को सेल किए हैं, अभी लाइव में हमारा ट्रेड चल रहा है और अभी अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो $20 के राउंड में, $30 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो लाइव में मैं क्रूड को सेल किया हूँ और अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो $41 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये देखिए लाइव हमारा प्रॉफिट चल रहा है और मैं कुछ देर बाद फिर से अपडेट करूँगा। अभी जो है $50 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, $50 का प्रॉफिट। तो ये दोस्तों देखिए अभी हमारा लाइव जो प्रॉफिट चल रहा है वो $370 का प्रॉफिट चल रहा है, हमने सेल किया था और अभी लाइव में हमारा प्रॉफिट चल रहा है $370 का। और अब जो है एक बार हम एग्जिट करेंगे और देखिए हमारा इसमें भी एलाइस ब्लू में भी सेलिंग थी, देखिए इसमें भी हमने ट्रेड किया था ऑप्शन में और यहाँ पर 8925 रुपये के प्रॉफिट चल रहा है, 8925 की। और इसमें जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो अभी $340 का प्रॉफिट चल रहा है। और थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद एग्जिट करेंगे। और ये देखिए अभी हम करने वाले हैं इसको एग्जिट, लाइव में हमारा एग्जिट होगा अभी। अभी जो लाइव प्रॉफिट चल रही है $387 का और इसको हम करने वाले हैं क्लोज ऑर्डर। क्लोज ऑर्डर ये देखिए क्लोज ऑर्डर, और ये हमारा क्लोज ऑर्डर हो गया एक, और इसको भी क्लोज ऑर्डर, और ये हमारा क्लोज ऑर्डर। और आज का जो हमारा फाइनली प्रॉफिट है वो देखिए $385 का प्रॉफिट हमारा लाइव में हुआ है क्रूड को सेल करके। और अब जो है अब एक बार ऑप्शन को भी मैं एग्जिट करूँगा, ऑप्शन में जो हमारा लाइव प्रॉफिट चल रहा है 9800 रुपये की चल रही है। तो जो ये हमारा देखिए बाई था इसको एक बार सेल का ऑर्डर लगाएंगे और सेलिंग हमारा लग चुका है। और आज का जो हमारा ऑप्शन में जो ट्रेड था जिसमें 8160 रुपये और सिल्वर में 1665 रुपया, फाइनली जो प्रॉफिट है 9825 रुपये की हुई है। चलिए आज के लिए इतना ही और आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको चार्ट में दिखाएंगे कि हमारा एंट्री कहाँ पे बना था, हमने क्यों सिल्वर को बाय किया, क्यों क्रूड को सेल किया था। तो पूरी चार्ट में आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए आपको चार्ट पे ले चलते हैं, चार्ट पे दिखाएंगे कि आज हमारा कहाँ पे एंट्री बना था। और तो ये देखिए आज का चार्ट है 28 जुलाई 2022 की। और सबसे पहले हम आज बात करेंगे क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल में आप लोगों को एक लेवल्स मैंने प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पे, जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। उस अभी तक अगर उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम हर डे क्रूड ऑयल का एक लेवल प्रोवाइड कराता हूँ और वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लेवल होती है। और उसमें कल मैं एक रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करवाया था जो हमारा था 7947। इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगी, नहीं तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिला, सेकंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिला, दो दो बार इस लेवल से रिजेक्शन मिली और उसके बाद मार्केट जो गिरा है, कल जो लो लगा है 7947 से 7680, वहाँ से कम लगभग 300 पॉइंट्स का लो लगाया है। तो देखिए अब चलिए हम बात करेंगे, ये तो हो गई हमारी एस्ट्रोलॉजी की बात कि एस्ट्रोलॉजी में मेरा रेजिस्टेंस की लाइन थी और वहाँ से रिजेक्शन मिली और मार्केट नीचे तक आई जो मेरा सपोर्ट लेवल था वहाँ तक। अब चलिए हम आपको बताएंगे कि हमारा प्राइस एक्शन के अनुसार कहाँ पे एंट्री बना था, अगर हम अपने स्ट्रेटजी पे एंट्री करते तो कहाँ पे करते। तो देखिए ये थी हमारी सेटअप जो स्ट्रेटजी पे बनी थी और इस जगह पे हमें सेल करना था। सेलिंग जो बनी है 7878 पे, 7878 रुपया पे सेलिंग बनी है और 7878 से नीचे मार्केट आया है 7678, यानी कि 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है हमारे प्राइस सेक्शन के अनुसार। अगर आज आप ट्रेड करते हमारी स्ट्रेटजी पे तो 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलता। आज अगर आपका क्रूड ऑयल में नुकसान हुआ है तो नुकसान नहीं होता, 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट करते आप। तो हर डे पैसा बनता है दोस्त, यहाँ पैसा की कमी नहीं है, पैसा निकालने आना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी क्रूड की। क्रूड में देखिए यहाँ पे क्रूड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइस सेक्शन पे ट्रेड नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस जिसमें इंडिकेटर्स है, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, उसके बाद एक स्पेशल क्लासेस है वो भी और इम्पोर्टेंट कर देता है हमारी एक्यूरेसी को 110% डिपेंड करता है। जो एक स्ट्रेटजी है स्पेशल क्लासेस हम सिर्फ वो क्रूड और कॉपर के लिए है, और वो क्लास जो मिलता है आप लोगों को वो पहले आपको वो स्ट्रेटजी पहले बता देती है कि आज क्रूड में करना क्या है, क्रूड में सेल ही करना है या क्रूड में बाई ही करना है, वो स्ट्रेटजी आपको पहले बता देगी।
तो ये थी आज की हमारी क्रूड ऑयल पे चर्चा की हमने। अब चलिए आपको नेचुरल गैस पे बात करेंगे। नेचुरल गैस में अगर आज आपको ट्रेड करना होता तो आप कहाँ पे करते हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार? देखिए इधर प्राइस एक्शन के अनुसार सपोर्ट की लेवल थी, इधर रेजिस्टेंस की लेवल थी, इधर रेजिस्टेंस की लेवल थी। देखिए मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट पे एंट्री बनाया है, बट सिर्फ कैंडल्स बनने पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टेप बाई स्टेप फर्स्ट क्या होती है हमारी स्टेप, फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लेस, प्लेस मीन सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यहाँ पे मिल रहा था, प्लेस मिल गया, लेकिन प्लेस के बाद आती है मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की ट्रेंड, जो यहाँ पे ट्रेंड नहीं बोल रही थी कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट की ट्रेंड नहीं मिली तो हम नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे भी एक एंट्री आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे भी प्लेस था, बट प्लेस के बाद जो सेकेंड स्टेप होती है वो होती है ट्रेंड, और यहाँ पे ट्रेंड नहीं बोल रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। तो देखिए अगर कल आपने बाई भी किया होगा या सेल भी किया होगा यहाँ पे, तो दोनों तरफ आपका स्टॉप लॉस हिट किया होगा मार्केट, दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट किया होगा। नेचुरल गैस में कल अगर आपने ट्रेड किया होगा तो नुकसान के अलावे कुछ भी नहीं किया होगा आपने। हमें पता है 90% लोगों का अकाउंट नुकसान में ही कल नेचुरल गैस में बंद हुआ होगा, बट अगर हमारे स्ट्रेटजी पे वर्क किया हुआ होता तो इस जगह पे मार्केट बोली है, जब मार्केट यहाँ पे पहुंची है तो बोली है कि अब जो है मार्केट की प्लेस भी मिल रहा था यहाँ पे, और मार्केट की डायरेक्शन भी मिल गया कि अब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। मार्केट की ट्रेंड बोल रहा था कि अब मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। अगेन उसके बाद इस जगह पे हमारा देखिए एंट्री, स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ी बनी है, बट यहाँ पे हमारा सेल करना था, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिल रही थी। क्या क्या मिल रही थी? फर्स्ट स्टेप हमें क्या मिला? प्लेस मिल गया, प्लेस के बाद मार्केट की डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद आती है एंट्री, और एंट्री के बाद आता है हमारा ये देखिए इंडिकेटर, इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रही थी, और उसके बाद आती है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी बोल रही थी कि सेल है। तो हर स्टेप हमारा बोल रहा था कि फर्स्ट स्टेप प्लेस मिल गया, सेकंड मार्केट की डायरेक्शन मिल गया, थर्ड एंट्री, फोर्थ इंडिकेटर, और फिफ्थ मैथम एस्ट्रोलॉजी जो है, तो पांचों स्टेप क्लियर हो रहा था। उसके बाद अगर हम सेल करेंगे तो हमारे डायरेक्शन में ही मार्केट जाएगा 100%। तो हमारी जो सेल बनी थी 772 रुपया के आसपास, 770 रुपया पे, 770 रुपया पे सेल बनी, और 770 से जो नीचे मार्केट आया है 46 रुपया, यानी कि 24 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप करते बिना झिझक, मतलब एंट्री किया और उसी डायरेक्शन में मार्केट नीचे गया है, नीचे ऊपर की ओर मार्केट नहीं गई, तो 24 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता अगर आज आप हमारी स्ट्रेटजी पे हमसे सीख के ट्रेड किया हुआ होता तो। क्योंकि देखिए आपका नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं आप मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो देखिए ये मेरा जो फी है, फी से बड़ा बड़ा नुकसान आप कर देंगे, और आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि हम क्या करें, और मजबूरन आपको सीखना ही पड़ेगा। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक इस मार्केट में पैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि एक आपके पास सिस्टम नहीं है कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, आपके पास फार्मूला नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। एक स्ट्रेटजी मिल जाने के बाद भी लोग सक्सेस नहीं होते, क्योंकि एक सिस्टम से ट्रेड करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना है, हर चीजें की नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी आप ट्रेड करेंगे। तो आज हमने ये नेचुरल गैस पर चर्चा किया, नेचुरल गैस में 100% बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों की आज स्टॉप प्रोसीड हुई। चलिए अब आपको कॉपर की बात करेंगे, ये कॉपर की चार्ट है, और कॉपर में आज हमारे अनुसार कोई एंट्री नहीं, और अगर कोई एंट्री नहीं बनी है तो हम नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो ना हमारा लॉस होगा ना हमारा प्रॉफिट होगा। ये देखिए आज का हमारा सिल्वर का चार्ट है, और सिल्वर के ऊपर इवनिंग सेशन में हम ट्रेड किए हैं, इवनिंग सेशन में इस जगह पे हमारा बाइंग बनी है। यहाँ पे बाइंग की प्राइस की अगर बात की जाए तो बाइंग जो हमारा निकल करके आई है वो निकल के आया है 56,254 रुपया पे, 56,254, और 56,254 से मार्केट गया 57,738 रुपया, यानी कि 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप करते अगर सिल्वर में आज हमारे स्ट्रेटजी पे वर्क किया होता तो। तो ये था आज का हमारा सिल्वर का चार्ट, सिल्वर में यहाँ पे आपको ये एंट्री बनी थी, और जहाँ से एंट्री बनी है वहाँ से 1500 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिला है।
देखिए हर डे पैसा बन रहा है, पैसा की कमी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पैसा आपको निकालने आना चाहिए, पेशेंस रखना है, वेट करना है हमारे सारे स्टेप को फॉलो होने का। अगर सारे स्टेप फॉलो होता है उसके बाद आप जो है इसको अच्छे से करके आप हर डे पैसा बना सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के पास है परेशानी कि पैसा नहीं हो पा रहा ट्रेनिंग फी के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं एक संडे को सेमिनार रखा वेबिनार रखा हूँ। उस वेबिनार में वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, जिसमें कुछ चीजें जो है मैं फ्री में आप लोगों को देने वाला हूँ, जिससे आप अच्छा पैसा वक्त कमा सकते हो। 1 महीने तक वो स्ट्रेटजी वर्क करेगी, वो एस्ट्रोलॉजी भी मैं सिखाऊंगा, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा 1 मंथ के लिए। 1 मंथ आप लोगों के पास टाइम रहेगा, 1 मंथ में आप ट्रेनिंग की फी को इकट्ठा कर करके, आप जिसके पास है इच्छुक हैं कि हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, फंड थोड़ा बहुत है, तो उस फंड से आप ट्रेड करके हमारी स्ट्रेटजी पे वर्क करके हमसे सीख करके आप वहां पे बाद में ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ। तो जिन्हें भी जरूरत है हमारा व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें संडे की सेमिनार के लिए, आप हाई लिख के संडे सेमिनार लिख करके मैसेज करेंगे, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और संडे को वेबिनार है, 4 घंटे की वेबिनार होगी, उस वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन किया जाएगा और बहुत सारी चीजें जो है आपको बताई जाएगी, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी, जिससे आप अच्छा पैसा डेली अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।